अगली खबर में बात करते हैं बीकानेर की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान कहूं, मारवाड़ कहूं, जोधपुर कहूं, महामंदिर कहूं, जहां मैं पैदा हुआ, मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? जिंदगी के अंतिम सांस तक कहीं भी रहूं, सेवा करता रहूंगा, जो कहता हूं उसके कुछ मायने होते हैं। गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पद से भी छोड़कर देखा जा रहा है। पहली बार गहलोत ने मारवाड़, जोधपुर और अपने गृह क्षेत्र महामंदिर तक से आत्मीयता जताते हुए बयान दिया है। गहलोत से जब मनेसर वालों को सजा देने का सवाल पूछा तो बातचीत को खत्म करते हुए नमस्कार करते हुए निकल गए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। गहलोत ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा, बार बार सरकार बदल देते हैं, मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बह जाते हैं। एक बार कर्मचारी मेरे विरोध में हो गए थे, हमारा डायलॉग नहीं हो पाया था, नाराज हो गए थे, उन्होंने गांठ बांध ली थी, हमने गलती मान ली, हमारा डायलॉग रहता तो ये स्थिति नहीं बनती कि हार जाते। फिर देश में मोदी जी का माहौल बना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे थे लेकिन हार गए, राजस्थान भी हार गए। मैं जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक मौका और दें हमें, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में खेलने आए खिलाड़ियों के बीच में जाकर काफी समय बिताया, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खिलाड़ी के साथ रहे। इस दौरान कबड्डी का फाइनल मैच देखा, उन्होंने खिलाड़ियों के दौ पेश पर प्रभारी मंत्री से चर्चा भी की। इसी दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, आपदा मंत्री गोविंद मेघवाल, प्रभारी मंत्री लाल चंद कटारिया, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी गहलोत के साथ रहे। एग्रो बोर्ड के चेयरमैन व पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, जबकि कई बोर्ड के अध्यक्ष मंच पर थे। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद में जो जीतेंगे उन्हें सरकारी नौकरी में संविदा पर रखने के प्रयास हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि गांव में, कस्बों में ऐसे खिलाड़ियों को रोजगार देने में प्राथमिकता रखें। किसी पद पे रहूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूँ? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। बार बार मैं कहता हूँ उसके मायने होते हैं।